हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज चापू। वेलकम टू यूपीएससी जियो केमिस्ट यूट्यूब चैनल। थ्रू दिस चैनल आई विल हेल्प यू टू प्रिपेयर केमिस्ट्री फॉर यूपीएससी जियो केमिस्ट एनडीए सीबीएसई बोर्ड एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आइए दोस्तों, लेक्चर 6 में आप सब लोगों का स्वागत है, जो कि हमारे इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेपरेशन टेक्निक्स, जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर 5 में भी पढ़ चुके थे सेपरेशन टेक्निक्स, और कुछ एनडीए बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने लगाए थे। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग जो बचे हुए सेपरेशन टेक्निक्स है उसको खत्म करेंगे, उसके बाद में एनडीए का बेस्ड प्रॉब्लम्स लगाएंगे, ठीक है। सो आइए आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर हमारे यूपीएससी एनडीए के लिए टारगेटेड है, तो इस बार में जो अपलोड कर रहा हूँ आपका यूपीएससी 2020 के लिए होगा, आपका दोनों एनडीए के साथ हो रहा है, इसलिए आपका एनडीए 1 एंड आपका एनडीए 2 दोनों के लिए ये काम आएगा। आई बात समझ में? ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, व्हाट इज मीन बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर? ओके, तो डिस्टिलेशन रिड्यूस अंडर रिड्यूस प्रेशर, इसका मतलब ये है कि जो आपका लिक्विड होता है वो उससे पहले क्या होता है, डिस्टिल हो जाता है। जिसका अपना बॉइलिंग पॉइंट पहुंचना था मान लीजिए 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री से पहले ये क्या हो जाएगा, आपका बॉयल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह का लिक्विड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो डिस्टिलेशन अंडर लिक्विड रिड्यूस्ड प्रेशर। सो दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर दोस लिक्विड इन व्हिच डिकम्पोजेस देयर बॉइलिंग पॉइंट अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, लिक्विड बॉयल्स एट लो टेम्परेचर। तो मान लीजिए ये उसी तरह का लिक्विड का सेपरेशन के लिए हमें काम लगानी है, जो कि आपका रिड्यूस्ड क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हो। मान लो कि आपके पास हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये इस प्रोसेस में हम देखेंगे, अगर उसका प्रेशर को हम लोग रिड्यूस करेंगे तो ये 80 डिग्री के अंदर अंदर में क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का लिक्विड को सेपरेशन टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ओके, जो लिक्विड आपका 100 डिग्री में बॉयल होता है, उसको प्रेशर को हम रिड्यूस करके तो हम क्या बनाए थे, 80 डिग्री सेल्सियस में रिड्यूस करा देते हैं। मैं हाइपोथेटिकल केस मान रहा हूँ, असल में नहीं हो सकता है कुछ भी, एक दो टेम्परेचर, एक दो डिग्री भी कम हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा भी कम हो सकता है, ठीक है। तो आपको तो पता है बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कोई भी चीज़ें बॉयल कब होने लगता है, जब वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। तो आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब होता है, तब आपका क्या होता है, ये तब आपका बॉइलिंग पॉइंट होने लगता है। जब आपका दोनों टेम्परेचर, आपका ये बॉइलिंग पॉइंट आपका कब तब होता है, जब आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो यही है, हेंस द टेम्परेचर फॉर डिकम्पोजिशन इज नॉट रिच। जो टेम्परेचर में डिकम्पोज होता था वो टेम्परेचर में पहुंचना जरूरत ही नहीं है, उससे पहले ये क्या हो जाता है, आपका डिकम्पोज हो जाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो आपको कहीं कभार मिल सकता है, तो आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं होने का है, आपको सीधी बोलना है क्या है, वैक्यूम डिस्टिलेशन कहलाना है, ठीक है। मतलब डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो इस प्रोसेस के दौरान आप क्या कर सकते हैं, ग्लेशियरल कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। आप ग्लेशियरल को सेपरेट कर सकते हो। सो और एक एग्जांपल है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सुगर कैन जूस इन सुगर इंडस्ट्री। ओके, तो सुगर इंडस्ट्री में हम सुगर कैन जूस को एक साथ ये कंसंट्रेट करते हैं इस मेथड के जरिए, अंडरस्टूड, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो दूसरा प्रोसेस आपका क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन, व्हाट इज मीन बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ओके, तो ये आपका एक सेपरेशन टेक्निक है, स्टील डिस्टिलेशन भी आपका एक सेपरेशन टेक्निक है, सेपरेशन और यू ऑल्सो यू कैन से प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स ऑफ लिक्विड्स, जिसका क्या होता है, प्रिंसिपली क्या होता है, आपका वोलाटाइल होता है। ओके, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें आपको क्या होगा, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, और आपका मतलब नॉन वोलाटाइल में मिक्सचर है आपका, कुछ सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, और आपका यह वोलाटाइल मटेरियल है, ठीक है। तो ये जो वोलाटाइल पार्ट होगा ये क्या होगा, डिस्टिल हो जाएगा, ठीक है ना, स्टीम बन के ये निकल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिल करेंगे। सो इट इज यूज फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स व्हिच आर एप्रिसिएबली वोलाटाइल इन स्टीम फ्रॉम नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो इसका मतलब वोलाटाइल प्लस नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट का एक मिक्सचर होगा, तो उसी तरह का मिक्सचर में से आप आसानी से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो।
आई बात समझ में, बाय स्टीम डिस्टिलेशन। तो एक तो आपका क्या हो गया, नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, और तो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इनमें से कौन सा पहले आपका वोलाटाइल होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो और तो पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या होता है, ये मान लो ये आपका क्या होता है, फिनॉल है, ठीक है, ये OH, देन इसमें आपका पैरा ग्रुप में आपका NO ग्रुप है, और दूसरा ऑर्थो का केस में आपका क्या होगा, ये आपका OH है और ये आपका NO2 है। देखो इस केस में आपका क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होता है, ठीक है, एंड इस केस में आपका क्या होता है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होता है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर इसमें एच बॉन्डिंग होता है। अब आप देखिए, अगर आपके पास इन दोनों में से जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, देन दैट ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब किसी भी चीज के ऊपर आप ये टेम्परेचर दोगे या तो हीट लगाओगे, तो कौन सा जल्दी आपका बॉयल होगा, तो बॉयल ऑब्वियसली वो होगा जिसका क्या होता है, फोर्सेस क्या होता है, वीक होता है। तो दिस फोर्सेस इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकर देन दैट ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सबसे पहले आपको ये बॉयल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डिस्टिल बनके, तो इन दोनों को इजीली, अगर इन दोनों का मिक्सचर है आपका, तो सबसे पहले ये वेपर बनके चला जाएगा, स्टीम बनके चला जाएगा, और उसके बाद दूसरा जगह पे हम इसको ये करेंगे, ठीक है, ठंडा करके ले लेंगे। आई बात समझ में। तो ये एनिलीन इज ऑल्सो प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर होगा, तो अब इसको हीट लगाएंगे, तो सबसे पहले इसको उड़ के चला जाएगा, तो हम उसी पोर्शन को इसको हम क्या करेंगे, ये कैप्चर करेंगे, कैप्चर करने के बाद डिस्टिल करेंगे, और आपको प्योर आपका ये मिल जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट आपका इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है, आपको इजीली पता है, आपने क्या कर दिया, पानी को ऐसे रख दिया, वो पानी क्या होता है, इवोपरेट हो सकता है, ओके, इवोपरेट होके आपका उड़ के चला जा सकता है, ठीक है। तो जबकि आपका इम्प्यूरिटीज, मान लीजिए हम लोग का सॉल्ट वाटर है, एक सॉल्ट वाटर है, ठीक है, ये सॉल्ट प्लस आपका वाटर है, तो हमें सेपरेट करना है इन दोनों को, सॉल्ट प्लस वाटर को। तो अपन कैसे कर सकते हैं, सॉल्ट को हम प्योर सॉल्ट को कैसे पा सकते हैं, अगर हम इसको हीट कर दिया या तो नेचुरल एनवायरनमेंट रूम टेम्परेचर में रख दिया, तो पानी आपका उड़ के चला जाएगा, इवेपोरेट होकर चला जाएगा, और आपको इधर प्योर सब्सटेंस मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच सोल्यूबल सॉलिड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय अलाउइंग द सॉल्वेंट टू वेपोराइज। तो इसमें जो वाटर सॉल्वेंट था, वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्वेंट को अपन लोगों ने क्या किया, वेपोराइज कर दिया, वेपोराइज कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास, बचा सिर्फ आपका ये सॉल्यूट पार्टिकल जो कि सॉलिड है, तो सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल बचा है। आई बात समझ में। तो सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बाय इवोपरेशन, तो ये मेथड है। इसका मतलब मान लो इसमें सॉल्ट है आपका, आपका प्लस वाटर है, तो वाटर को हम लोग क्या करेंगे, इवोपरेट करेंगे, और बाकी प्योर स्टेट में आपका क्या रहेगा, सॉल्ट रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों का इजीली हम लोग क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो नेक्स्ट आपका क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी, ये भी आपका इंटरेस्टिंग सवाल, मैं इस सब का, ये सब मैटर्स में हमें PhD नहीं करना है, बस सवाल कैसे लगाने हैं उतना ही पढ़ाई करने हैं, ठीक है, अदरवाइज इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा, ये जंगल जैसा है, बहुत पढ़ सकते हैं हम इसके बारे में, लेकिन हमें इसमें PhD नहीं करना है, सिर्फ हमारे NDA पर्पस का, NDA को निकालना है, तो उस बेसिस में हमें इसको लगानी है, ठीक है। तो ये एक मॉडर्न सेपरेशन टेक्निक है, पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट को यूजुअली हम लोग ये करते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक क्या है, आपका पोलर सॉल्वेंट है, आपके पास में एक पोलर सॉल्वेंट है, दूसरा आपका क्या होता है, नॉन पोलर है, पोलर प्लस नॉन पोलर अगर सॉल्यूट ये सॉल्वेंट है, तो हम ये क्रोमेटोग्राफी के जरिए हम क्या करते हैं, एक कूलम बनाते हैं, मान लो ये कूलम, अलग अलग क्रोमेटोग्राफी है, तो ये कूलम में हम लोग क्या डालेंगे, एक आपका सिलिका जेल डालेंगे जो कि आपका क्या होता है, पोलर होता है, दिस सिलिका जेल इज पोलर। आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, इसमें मिक्सचर को डालेंगे हम लोग, इसमें मिक्सचर को डालेंगे, दोनों का मिक्सचर को डालेंगे, दैट इज पोलर, पोलर प्लस नॉन पोलर। तो आपको ये चीज पता है कि जो पोलर है, ये तो ये खुद भी पोलर है, और ये जो पोलर है, तो पोलर पोलर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो पकड़ के रखेंगे एक दूसरे को, और जो नॉन पोलर है वो पहले धीरे 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 आके गिर जाएगा। लॉजिक समझ में आया आपको? तो आपको ये करना है कि जब आपको इन दोनों को सेपरेट करना है, यहाँ पे आपका क्या होता है, एक मिक्सचर होगा, पोलर प्लस नॉन पोलर मिक्सचर होगा, तो इसमें जो आपको क्या डालेंगे, कूलम के अंदर में हम लोग सिलिका डालेंगे जो कि सिलिका एलुमिना जो कि ये पोलर होता है, तो पोलर पोलर एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसका मतलब पकड़ के रखेंगे इसको, तो जो नॉन पोलर है उसको छोड़ देंगे, ये धीरे 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 जाएगा, गिर जाएगा, तो हमें नॉन पोलर पहले मिल जाएगा, देन
पानी डालते 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 बाद में पोलर को धीरे से पोलर मिल जाएगा, ठीक है। धीरे से हमें क्या मिल जाएगा, पोलर मिल जाएगा। इतना क्लियर है आपको? सो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट एट विच द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर एब्जॉर्ब ऑन अ सुटेबल एब्जॉर्बेंट। तो ये जो पोलर है पहले एब्जॉर्ब रहेगा, आपका एब्जॉर्ब रहेगा, और नॉन पोलर है वो लेस एब्जॉर्ब रहेगा, इसलिए जल्दी निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो क्रोमेटोग्राफी है कौन सा थ्योरी के बेस पे है, एब्जॉर्प्शन के बेस में है। एब्जॉर्प्शन आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ओके। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, किसी सरफेस के ऊपर आपका खड़े रहना, चिपक के रहना, एब्जॉर्ब। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, किसी बल्क में घुस जाना, अंडरस्टूड। जैसे कि स्पंज है, स्पंज अगर पानी में डालोगे पूरा पानी स्पंज के अंदर चला जाए, तो वो एब्जॉर्प्शन है। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या होता है, आपका कोई भी सरफेस पे कोई आप डस्ट या सब कुछ सरफेस में रहता है ना, तो वो आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। सो तो जो आपका जिसमें आपका एब्जॉर्ब होगा, अब इसमें हम लोग सिलिका डाले हैं, तो सिलिका में कौन सा चीज एब्जॉर्ब हो गया आपका, कौन सा, ये पेराना, ये मतलब पोलर वाला एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि ये पोलर है तो पोलर ये एब्जॉर्ब हो गया। तो वो जिसमें आपका सोल्यूट पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाता है उसी को अपन लोग क्या कहता है, एब्जॉर्बेंट कहता है, ओके। तो टू सेपरेट ऑर्थो एंड पैरा नाइट्राइल फेनॉल ये भी काम आएगा, क्योंकि जो आपका पोलर है, जो ज्यादा पोलर है वो धीरे से निकल जाएगा, तो जो नॉन पोलर है वो पहले निकल जाएगा, ठीक है। जो पोलर आपका रह जाएगा और जो नॉन पोलर है वो पहले निकल जाएगा, ठीक है। तो ब्लू एंड रेड डाइस को सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, और ग्रीन प्लांट का जो प्लांट का पिगमेंट्स होता है और नेचुरल प्रोडक्ट्स है, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही प्योर मेथड है, ये इट इज अ प्योर मेथड ऑफ सेल प्यूरिफिकेशन, ओके। तो नेक्स्ट आपका है एटमोलिसिस। व्हाट इज मीन बाय एटमोलिसिस, ये एटमोलिसिस ये गैसेस का ये सब क्या होता है, आपका डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंड होता है। मान लीजिए आपको दो गैसेस है, गैस ए प्लस गैस बी का आपका एक है, तो इन दोनों में से कौन सा गैस पहले भागेगा, ओके, कौन सा गैस पहले डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज वही गैस होगा जिसका रैंडमनेस ज्यादा होगा। तो यही होगा द एक्ट और प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मिंगल्ड गैसेस, इसका मतलब मिंगल्ड गैसेस एक दूसरे से क्या होता है, मिक्सचर वाला गैसेस, ऑफ अनइक्वल डिफ्यूजिबिलिटी बाय ट्रांसमिशन थ्रू ए पोरस मटेरियल। तो एक पोरस मटेरियल देंगे तो जो ज्यादा क्या होता है डिफ्यूजिबिलिटी फास्ट है, वो जल्दी पटक से निकल जाएगा पोरस मटेरियल का थ्रू से, ठीक है। तो जो नॉन डिफ्यूजिबल है वो इधर रह जाएगा, इधर वो रह जाएगा, और जो नॉन डिफ्यूजिबल है इधर रह जाएगा, और जो डिफ्यूजिबल है वो बाहर निकल के चला जाएगा, ठीक है। सो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये मेथड किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका डिफ्यूजन के मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर रेट्स ऑफ डिफ्यूजन। आई बात समझ में? तो जो ज्यादा डिफ्यूज होगा वो पहले ही निकल जाएगा, ठीक है। तो यूजुअली आपको यूरेनियम का दो आइसोटोप्स होता है, उन दो आइसोटोपिक फॉर्म को आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हो बाय दिस मेथड, ठीक है। यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मेथड आपका क्या है, डायलिसिस। ये आपका सरफेस केमिस्ट्री में आपने अच्छा से पढ़े होंगे, जो भी क्लास 12 पास किया है सरफेस केमिस्ट्री में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है ये डायलिसिस मेथड। तो उसमें क्या होता है, हम लोग कोलाइडल पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं इस मेथड के जरिए। तो उसमें क्या होता है, आपका पार्चमेन रखते हैं हम लोग इस तरह से, आपका क्या करेंगे, पार्चमेन रखेंगे, तो इसमें कोलाइडल पार्टिकल रहेगा, ठीक है। तो इसमें हाई डिग्री ऑफ लिक्विड पानी पास करेंगे हम लोग, पास करने पर यह धीरे 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 क्या आता है, निकल जाता है, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम दो सब क्रिस्टलाइंस बाय डिफ्यूजन ऑफ द मिक्सचर थ्रू ए पार्चमेन और एनिमल मेम्ब्रेन इज नोन एज डायलिसिस। तो यही मेथड है। तो इसमें जो लास्ट में आपको प्योर कोलाइडल पार्टिकल आपका क्या हो जाएगा, प्योर कोलाइडल पार्टिकल आपको मिल जाएगा, और जो अभी इम्प्योरिटीज है वो पानी के साथ, पानी करंट के साथ निकल के चला जाएगा, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट कैन बी प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड, ओके। फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट को हम इस मेथड के जरिए क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, ओके। सवाल लगाते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट, क्रोमेटोग्राफी कौन सा मेथड के जरिए हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, प्लांट पिगमेंट को सेपरेट होता है आपका, ब्लू एंड रेड इंक भी सेपरेट करते हैं हम, और तो पैरा नाइट्रोफेनॉल भी सेपरेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल। तो आपका जवाब क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्या है आपका, डायलिसिस इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन। अभी अभी पढ़ा था हम लोगों ने डायलिसिस किसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन को। आई बात समझ में? और कोलाइडल सोल्यूशन थ्रू सोल्यूशन क्या होता है, आप खुद ही निकाल लो, ठीक है। कोलाइडल सोल्यूशन कितना, उसका नैनोमीटर साइज होता है, उसका साइज कितना होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको निकालना है। 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर का बीच में कोलाइडल। तो थ्रू सोल्यूशन क्या होता है, इन सब का सस्पेंशन क्या होता है, सब एक एक करके पढ़ सकते हो आप अगर आप जानना चाहते हो, ठीक है।
तो ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका इन कुलम क्रोमेटोग्राफी द सब्सटेंस ऑब्टेन इन द टॉप मोस्ट रीजन ऑफ द कुलम इज, क्या होता है जो आपका क्या होता है, ये देखो टॉप मोस्ट रीजन आपका ये कुलम है, कुलम सॉरी ये कुलम रहेगा, तो कुलम में आपका क्या रहेगा, ये इसके अंदर सिलिका है, तो सबसे ऊपर में जो रह जाएगा वो क्या होता है, ज्यादा पोलर वाला होगा ना, एब्जॉर्ब सबसे ज्यादा हाईएस्ट एब्जॉर्ब होगा, और नीचे में जो आएगा गिर रहा है वो क्या होता है, लेस एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन कुलम क्रोमेटोग्राफी द सब्सटेंस ऑब्टेन इन द टॉप मोस्ट रीजन ऑफ द कुलम इज क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्ब होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्ब। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप क्या करना है, मेरे मेरे चैनल को आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, और जो भी अपना क्या होता है, बहुत सारे दोस्त होता है आपका जो बहुत सारे क्या होता है एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसका मम्मी पापा तो क्या होता है आर्थिक स्थिति खराब होता है, तो उन बच्चों के पास पहुँचाइए, बोलिए कि ऐसा ऐसा चैनल है तो वो फ्री एजुकेशन दे रहा है। ठीक है, तो उसके जरिए हम क्या करेंगे, उसको एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मुझे को फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो चापूत चकमा के नाम से, और मेरा ये चैनल है आपका यूपीएससी जियो केमिस्ट, प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरा चैनल है मेरा एडियन, इसको भी अगर आप मन चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।